हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 में जो नीट की कट ऑफ आई थी, अलग अलग कॉलेजेस में किन मार्क्स पे क्या रैंक मिला था और 2021 में किन मार्क्स पे क्या रैंक मिला है, इनकी कंपेरेटिव एनालिसिस। इस एनालिसिस को करने से हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हमें एक समझ आएगी कि भाई कि पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या हो रहा है, कहां कहां कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं और कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने पर हम बहुत इजीली अपने काउंसलिंग प्रोसेस को स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं, हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलने जा रहा है। तो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वंस अगेन फिजिक्स इन मोशन, एंड आई होप सो आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इन केस अभी आपने नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, काइंडली अपडेट्स एंड लाइक द वीडियो। तो लेट अस मूव ऑन टू द स्लाइड। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट 2020 में अनरिजल्ट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो 147 मार्क्स थी और 2021 में इट्स 138। ओबीसी एससी और एसटी के लिए इट वाज 113 एंड दिस ईयर इट हैज रिड्यूस्ड टू 108। पीएचयूआर आपके पास 129 पे कट ऑफ हुआ था और इस बार 122 पे है। इसका मतलब ये होता है कि कट ऑफ रैंक डाउन चली गई है। कट ऑफ रैंक डाउन चली गई है मींस ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। इस बार 870,074 स्टूडेंट्स दे हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग नीट एग्जामिनेशन मेक्स देम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू नीट एग्जाम थ्रू नीट स्कोर। तो मतलब कहने का ये हुआ, जब हमारे पास नीट का स्कोर डाउन जाता है, ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अब यहां पर जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ होती है वो इस स्कोर पे डिपेंड नहीं कर रही, वो आपका बहुत हायर स्कोर पे जा रही है। अब उसके बारे में जो हायर रैंक्स हैं, अपर रैंक्स हैं, टॉप मोस्ट रैंक्स जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करेंगी, वहां पर बहुत डिफरेंस है। जो लोअर रैंक है ये आपका डाउन जाने का मतलब है ज्यादा बच्चे एलिजिबल हो गए हैं और वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में फॉर वेरियस कोर्सेस। एंड मोर ओवर यहां पर जो कंपटीशन बढ़ता है वो प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ता है, क्योंकि जब रैंक डाउन जाती है, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने वाले बच्चों का नंबर बढ़ जाता है। लोअर कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज को हार्डली इफेक्ट करती है इन जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो लेट अस एनालाइज इट, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, 2020 में आपने देखा था रैंक वन जो थी वो 720 पे आई थी और 2021 में भी जो रैंक वन है वो 720 पे ही आई है। फर्क ये था कि 2020 में दो बच्चों ने 100% स्कोर लिया था और 2021 में इस बार तीन बच्चों ने 100% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 2020 पे फर्स्ट रैंक के लिए 720 मार्क्स चाहिए थे, 2021 के भी सेम फर्स्ट रैंक पे 720। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जब हम थोड़ा डाउन जाते हैं रैंक वन से 17, 18, 19 रैंक की तरफ, तो हम देखते हैं 710 नंबर अगर आपके 2020 में थे 710, तो आपकी रैंक 17, 18, 19 थी। 715 पे इस बार 17, 18, 19 आई है, मतलब आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने पर सेम रैंक मिली है। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, अगर हम देखें फर्स्ट टॉप 45-50 स्टूडेंट्स जो हैं सारे एम्स दिल्ली की तरफ भाग रहे होते, ऑब्वियसली द नंबर वन चॉइस, द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट जो टॉप मोस्ट रैंक है वहां पर आप देखेंगे कंपेरेटिवली स्कोर पहले 710 था, अब 715 है और ये जाकर के 44 पे फिर इक्वल हो गया है। मतलब 44 रैंक लाने के लिए 2020 में भी 705 नंबर चाहिए थे और 2021 में भी 705 नंबर चाहिए। मींस जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी आई एम टॉकिंग, एम्स का क्लोजिंग स्कोर आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं, एम्स दिल्ली का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एम्स, देयर आर इन टोटल 19 एम्स और सबका अगर मिला लें तो रैंक काफी डाउन तक भी चली जाती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के 44 रैंक 705 पे लास्ट ईयर भी थी और इस बार भी है। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, सिर्फ 5 नंबर डाउन जाते हैं यहां पर और यहां पर आप देखें 10 नंबर, तो 705 से 695 यानी
10 मार्क्स डाउन जाने पर रैंक आपकी 44 से 153 चली गई थी। इस बार सिर्फ 5 नंबर में ही ये 44 से 153 चली गई है, सिर्फ 5 मार्क्स के डिफरेंस पे ये 705 से आपके पास 5 मार्क्स के डिफरेंस पे 705 से 700 आने पर ये 44 से 153 चली गई है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लगभग आपके 100 स्टूडेंट्स हैं 5 मार्क्स के बीच में, है ना। अब जब आपकी रैंक आप यहाँ पर थोड़ा और डाउन करते हैं, लगभग 120 नंबर और डाउन करते हैं, 153 से 271 पे आते हैं, तो आप देखते हैं कि पिछली बार स्कोर जो था वो 695 से 690 के बीच में चाहिए था, इस बार स्कोर आपका 700 से 695 के बीच में चाहिए। और फर्दर ड्रॉप अगर आप कंसीडर करें, यहाँ पर 690 पे 271 थी, 685 पे 409 थी, 661 पे 2150 है, और इस साल 69 पे 271 है, 691 पे 409 है, और 665 पे 2150 है। मतलब ए हाईएर स्कोर फॉर सेम रैंक एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इन टॉप रैंकिंग ऑर्डर्स आई एम टॉकिंग। अभी आप देखेंगे आगे के रैंकिंग ऑर्डर्स भी मैंने डिफरेंट डिस्कस किए हैं, और इनमें रैंक का वेरिएशन काफी उलट पलट भी हो गया है। तो लेट अस मूव फर्दर। अगर हम 2241 रैंक की बात करें तो 2020 में 660 स्कोर चाहिए था और 2021 में 664 पे आई है। फिर अगर हम यहां पर करीबन 1400 और डाउन जाते हैं 1400 के आसपास, तो 3628 रैंक के लिए 651 652 देखो फिर से पकड़ लिया बराबर, और 3989 पे आपका 650 स्कोर है इस साल, और पिछले साल भी 650 था। 3938 से लेकर के 4012 तक पिछले साल भी 650 पे था, और इस बार भी 650 मार्क्स पे ये दोनों, इन दोनों के बीच की रैंक आपको मिली है, और ये काफी बड़ा गैप है, लगभग 70-80 बच्चे आपके इस रेंज में आते हैं सेम स्कोर पे। अभी आप और डाउन जाइए 4022 पे, वो यहां पर अभी भी 650 है 2021 में, जो 650 स्कोर है उसपे भी यही रैंक है, लेकिन 2020 पे 649 पे थी। फिर फर्दर आप देखेंगे इस रेंज में, अगर आप ध्यान से देखें ये 640 से 650 की रेंज, इसमें 2020 और 2022 बहुत बारीक डिफरेंस पे है, बहुत 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 ज्यादा सिमिलरिटीज है यहां पर। तो टोटल 15,419 रैंक 642 पे इस साल आई है, पिछले साल भी 642 पे आई है। टॉप ऑर्डर्स में डिफरेंस था, थोड़ा सा डाउन आया, आप देखिए बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाई हुई है ये सेम स्कोर वाली है। तो ये सारी चीजें अभी आगे और भी रैंक्स हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है जो यूजी काउंसिलिंग है उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, एमबीबीएस बीडीएस सीट्स आपकी इसके लिए एमसीसी कंडक्ट कराती है ना। इसके अंदर जो आपका 100% एमबीबीएस सीट्स, ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टेट्स हैं उनकी 15% सीट्स एक्सेप्ट जेएनके, ये जेएनके और जो यूनियन टेरिटरीज होती है इनकी मर्जी होती है ये कंट्रीब्यूशन कैसे करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इसके अलावा जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसने अपनी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा को दे रखी है, मींस जो एमसीसी की काउंसिलिंग है उसके अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स प्लस में 100% ऑफ बीएचयू सीट्स फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, एम्स की पूरी 100% सीट्स, जिपमर की 100% सीट्स, जिपमर पुडुचेरी और कराईकल दोनों की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की 100% सीट्स, 85% सीट्स स्टेट कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी इनकी 85% सीट्स, और 100% फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री मतलब जो बीडीएस की 100% सीट्स जामिया मिलिया इस्लामिया की, अलॉन्ग विद 5% इंटरनल कोटा प्लस में 15% आईपी कोटा सीट्स ईएसआईसी कॉलेजेस की इस बार की काउंसिलिंग में आने वाले हैं। क्लियर। अब यहां पर जैसे आपको मालूम है आपका रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग भी विद इन ए वीक शायद स्टार्ट होने वाली है, तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो ये है, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड और रैंक लेटर, ये सारी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, पहले से फाइल अप करके रख लीजिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का काम करती है। क्लियर। ये ऑल इंडिया कोटा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप स्टेट्स में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है थोड़ा मोड़ा। फिर आपका क्लास 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स,
प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो क्लियर। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने किसी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपकी फाइल्ड अप होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। इनके कम से कम 3 सेट बना के पहले से रख लीजिए, क्लियर। हाँ, अगर आप एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट हैं, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग में अपियर हो गए हैं, तो आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी, जो आपका स्पॉन्सर है उसके स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट, ये सारी चीजें आपको उसके साथ रिलेशनशिप की, मतलब आप जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है, अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ये सारे प्रूफ्स वगैरह आपको इन एडिशन टू प्रीवियस थिंग्स रेडी रखने पड़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे की रैंक्स पे आते हैं। अगर हम बात करें 6509 रैंक की, तो आपका 6509 रैंक 637 में पिछले साल भी था, इस साल भी है। आप देखिए 637, 636, 632 यहां भी सेम रैंक 2020-2021 6509 से लेकर के 7866 तक बिल्कुल सेम रैंक है, सेम रैंक है। सीटें कुछ बढ़ गई हैं, ध्यान देना, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, कुछ सीटें बढ़ गई हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी आप देखिए तो रैंकिंग एनालिसिस बिल्कुल सेम है इन रैंक्स में। मतलब 6500 से लेकर के अगर हम लगभग 1350 रैंक ऊपर जाएं 7866 तक, तो सेम स्कोर है यहां पर, यानी चांसेस जो पिछले साल थे वही इस साल भी है। क्लियर। थोड़ा सा स्लाइट आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स। अब अगर हम आगे जाते हैं 9993 रैंक, 10608 रैंक, तो आप देखेंगे पिछले साल 625-623 पे था, इस बार 624-622 पे है। अगर आप अब यहां देखें तो 2020 में स्कोर ज्यादा चाहिए था और यहां पर स्कोर कम चाहिए। यहां पर अब गेम आ रहा है आपके पास, सीट बढ़ गई है, स्कोर हल्का सा डाउन जा रहा है, सीट बढ़ गई है, स्कोर हल्का सा डाउन जा रहा है, मतलब चांसेस यहां बढ़ रहे हैं। और आगे आइए थोड़ा, 620-618, 610-608, 600-598, मतलब 19,868 रैंक आपकी पिछली बार 600 पे थी और इस बार 598 पे है। और अगर आपको कुछ सीट एक्स्ट्रा मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो कट ऑफ पिछली बार 610 के आसपास गई है, जो कट ऑफ पिछली बार 610 के आसपास गई है, वो इस बार थोड़ी सी डाउन जानी चाहिए क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं। समझ रहे हैं बात को, थोड़ी सी डाउन जानी चाहिए, स्लाइड डाउन जानी, कम से कम 5 से 6 नंबर का फर्क आपको मिलना चाहिए यहां पर, व्हाट आई एक्सपेक्ट। इसके बाद अगर हम देखें, फिर आगे देखिए, आप 20,352 रैंक की बात करें तो 599 पे मिली थी, इस बार 597 पे है। आपका 23744 से लेकर के 837, ये पिछली बार 592 पे था, इस बार 3 नंबर कम है। और ये 3 नंबर बहुत मैटर करते हैं यहां पर, हम एग्जाम की तैयारी करते टाइम अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 4 नंबर प्लस में माइनस 1, 5 नंबर कम हो जाते हैं। मतलब आप आज देखिए इस एक क्वेश्चन की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो जब आप प्रिपेयर करते हैं, अब तो खैर आपका एडमिशन का टाइम आ गया है, लेकिन एक सजेशन है, जब आप प्रिपेयर करते हैं तो फुल फोकस से करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस डालने वाला है। क्लियर। तो यहां पर जो हमने एनालाइज किया कि जो हमारे पास, अगर हम स्कोर की बात करें तो क्योंकि सीटें थोड़ी बड़ी हैं तो स्कोर हल्का सा डाउन जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, अगर 43829 रैंक की बात करें तो पिछली बार 558 पे, यहां 554, 4 नंबर का अंतर है, देखिए 4 मार्क्स का अंतर है, कॉन्स्टेंटली 4 मार्क्स का डाउन जा रहा है, सीटें एडिशनल हो गई हैं लगातार, देखिए यहां तक 51003 रैंक तक 4 मार्क्स डाउन है, सीटें बढ़ गई है, प्रोबेबिलिटी हल्की सी बढ़ गई है नीट 2021 में, हल्की सी बढ़ गई है। ध्यान से देखिए आप इस चीज को, जैसे हम कहते हैं कि टोटल 2020 जैसा है, ऐसा नहीं है, जो अपर मार्क्स थे 650 से ऊपर वहां पर कंप्रेशन है और यहां पर एक्सपेंशन है, फर्क है बेटा, ठीक है। आपको क्योंकि सीटें भी बढ़ गई, जो सीट पिछले साल थी वही सीटें अब थोड़ी ना है, सीटें अगर बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस को अलाउ करता है तो आपके चांसेस भी तो बढ़ गए हैं। तो डोंट पैनिक, प्रॉपर प्लान करिए, इट्स ए वेरी गुड चांस, वेरी गुड थिंग कि आप अगर एनालाइज करके अच्छे से बैठते हैं तो आपको टेंशन भी नहीं होगी और आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। फिर आप अगर देखें इसके बाद
तो 1,23,352 रैंक सेम मार्क्स पे 459 पे। तो ये सारी रैंकिंग्स आपने स्टडी की यहां पर। इसके बाद आपको ये अगर आपने नोटिस किया, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि सेम स्कोर पे डिफरेंट रैंक है ना डिफरेंट इयर्स में, तो 2020 और 2021 की हमने कंपेरेटिव स्टडी की, ठीक है। आपका 2020 से एम्स भी एड हो गया है, प्लस में कुछ कॉलेजेस में सीटें बढ़ गई हैं, तो लगभग हम अगर इमेजिन करें तो 16,000 रैंक के आसपास तक गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाना चाहिए, क्लियर। और इसकी क्लोजिंग रैंक भी आपकी अप्रोक्सीमेटली 600-605 के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि सीटें बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अब नीट का 2021 का रिजल्ट आ चुका है, 15% आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, प्लस में स्टेट लेवल काउंसलिंग है, अलग अलग स्टेट्स की कट ऑफ, अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग प्रोसेस, इन सारों पे बहुत अच्छा फोकस बना के रखिए। ये मत सोचिए फर्स्ट राउंड में, ध्यान से देखिए, फर्स्ट राउंड में आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है, आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल जाता है, चुपचाप लॉक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप सेकंड राउंड पे वेट करते हैं। सेकंड राउंड पे कई बार हल्का सा डाउन जाता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है लास्ट 3-4 साल का, सेकंड राउंड के बाद मॉपअप में फिर से, क्योंकि बच्चों को जिनको नहीं मिलता वो सब भाग जाते, वापस भाग के आते हैं, तो स्कोर फिर बढ़ जाता है, तो मॉपअप में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर हाँ, फाइनली जो स्टे वैकेंसी राउंड होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, अब कुछ सीटें स्टेट को वापस ट्रांसफर हो जाती है, वो सारे अलग प्रोसेस है। तो वॉट आई विल सजेस्ट, प्लान वेल, एग्जीक्यूट वेल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सून। गुड बाय, सी यू ऑल।